दृश्य भारत टीवी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर हादसे की खबर बिहार से सामने आई है, जहां जहानाबाद में कार और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में टेम्पो पर सवार तीन महिला समेत पांच लोग जख्मी हो गए, जिसमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना काकू थाना क्षेत्र के डेढ़सैया गांव के समीप की है, जहां सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल ले जाया गया है। वहीं प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, सभी घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में घायल व्यक्ति ने बताया कि वह हाटी गांव का रहने वाला है और वे लोग एक टेम्पो पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे, तभी डेढ़सैया गांव के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें तीन महिला समेत पांच लोग जख्मी हो गए। वहीं घायल ने बताया कार चालक भी पकड़ा गया, परंतु स्थानीय लोगों ने उसे भगा दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जहानाबाद से रिजर्व करके जा रहा था ट्रेन, तो इधर से जा रहा था ड्राइवर लेकर उधर से मारुति आ रहा, डेढ़सैया पहुँचते पहुँचते उधर से दोनों टकरा दिया मारुति। अच्छा, तो उसको बाद मारा था, उसको बाद ड्राइवर के हम पकड़ लिए, उसको पकड़ के कब्जा में रखे। बाकी डेढ़सैया के अंदर था, उस हम कहा कि तू छोड़, तू अपना आदमी संभालो, उसको हम धैले। उसको बाद में हम हॉस्पिटल में सब लेके चले। टेम्पो पर कितने लोग सवार थे? टेम्पो पर कितने लोग थे? हमने पांच लोग थे। अच्छा, अपने पार बारे थे। अच्छा, सभी के सभी जख्मी हैं? हाँ। कितने लोग? पांच लोग थे। अच्छा, तो इसमें सीरियस भी हैं? सीरियस में चार लोग सीरियस में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सीधा हुसैन मोड़ से गाड़ी चढ़े थे। हाँ, रिजर्व करे थे। कहाँ के जा रहे थे? हाटी मोड़ के लिए। अच्छा, तो सब हाटी गाँव के रहने वाले हैं। घटना कहाँ पे घटी? घटना घट गया डेढ़सैया मोड़ पर। अच्छा, किस चीज़ से? मारुति या टेम्पो में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मारा धर्मेंद्र। फिलहाल की खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए दृश्य भारत टीवी के साथ। नमस्कार।